हम बात कर रहे हैं MTNL की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको 2% तक की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 52.73 रुपीज़ पर ट्रेड होता हमको नज़र आ रहा है। इससे पहले जब लगातार गिरावट में था स्टॉक, हमने डिस्कस किया था कि नीचे की ओर जो है 4850 का लेवल मेजर सपोर्ट और सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा, ऐसा डिस्कस हमने किए थे। और देख सकते हैं स्टॉक में जो है 48 के सपोर्ट से ही बाइंग देखने के लिए मिली, एक जंप आया यहीं से। कहां तक का, जहां पहले रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने और उससे पहले सपोर्ट भी लिया था 56 तक का, और 56 के लेवल से अगेन गिरावट और सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। और चार्ट पैटर्न को देखो तो लगातार लो और लो चार्ट पैटर्न, जंप पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पर लो, ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है, लगातार गिरावट में है। तो ऐसी सिचुएशन में जंप आता है तो हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जंप स्टॉक दिखा रहा है लेकिन जंप पे ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहा है और सस्टेन भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी जंप दिखाया, यहाँ भी जंप देखने के लिए मिला, लेकिन इस ब्रेकआउट का, इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पर, और अगेन रिजेक्शन के साथ लो ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, स्टॉक ऑलरेडी गिरावट में है और काफ़ी गिरावट आ चुकी है MTNL में, तो यहाँ से और भी गिरावटें कंटिन्यू होती है नज़र आ सकती है। अब नीचे की ओर अगर गिरावट आती है तो इमीडिएट सपोर्ट इस ग्रीन कैंडल का लो आप देख पा रहे होंगे, 50 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो जहाँ से सपोर्ट लिया है 48 का लेवल, ये काफ़ी मेजर सपोर्ट रहने वाले है MTNL के लिए। 4850 का जो लेवल है काफ़ी मेजर सपोर्ट रहेगा, अगर ब्रेकडाउन कर गया तो फिर वैसी सिचुएशन में 44 से लेके 40 तक का भी फॉल MTNL दिखा सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जंप पर थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि जंप पर रिजेक्शन ले रहा है, जंप आया है यहाँ से रिजेक्शन लेकर लो ब्रेकडाउन कर गया तो फिर बड़ी गिरावट। लेकिन जंप पर अगर स्टॉक अपने रिसेंट हाई को, यानी इस हाई को 56 के लेवल को ब्रेकआउट करता है जहाँ से रिजेक्शन लिया, अपना पहला टारगेट ही रहेगा 56 का लेवल। जंप के साथ अगर 56 पहला टारगेट है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ से दो दफ़ा रिजेक्शन लिया है 60, यहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, यानी 60 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा MTNL में 60 के लेवल का ब्रेकआउट, अगर इस बाउंस बैक के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट कर गया, 60 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया MTNL और ऊपर सस्टेन हो गया, तो उसके बाद लगातार अपसाइड हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है, लगातार अपसाइड दिखाता नज़र आ सकता है, फिर 70 से लेके 80 तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में है तो बाउंस बैक करके इस रेंज को, यानी 60 के लेवल को ब्रेकआउट करने देना ही ठीक रहेगा। वैसे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की आपको सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना